Okay, welcome. This is discussed about modular synthesis. It is just the ratio of volume and surface area. So there may be a different type of methods which are used for designing the riser. First, we will discuss one by one here. And the first one is the Gans method. Hello. Right now it is visible, na? तो हमने डिस्कस किया था कि कैंस मेथड में एक टर्म आता है फ्रीजिंग रेशियो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हियर एक्स. स्पेसिफिक फ्रीजिंग रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ राइजर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ स्टिक. वॉइस कट रही है सर आपकी. हाँ, कॉलेज खुल चुका है हम लोग के लिए. ठीक है, तो मेथड में मैंने क्या कहा, फ्रीजिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस modulus of plastic represented by surface area. ठीक है, modulus is represented here volume by surface area. ठीक है, अब riser and riser का modulus का और casting का modulus निकालो, दोनों को कर तो दोगे तो that will be a freezing ratio. ठीक है, freezing ratio is the ratio of modulus of riser to that of casting. Is it clear? Okay, and x is represented by x is equal to here a dividing by gamma minus c minus c. Is it clear? ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन है x को कैलकुलेट करने का, दैट इज फ्रीजिंग रेशियो हियर वेयर a b c आर कांस्टेंट. ठीक है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के लिए डिफरेंट कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट वैल्यू होंगे. और इट इज टेकन फ्रॉम द कास्टिंग टेबल. ठीक है, कास्टिंग टेबल में आपको मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का कास्टिंग जो करते हैं तो कास्टिंग टेबल में आपको ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ए बी सी इज अ कॉन्स्टेंट हेयर, बट व्हाट इज हेयर गामा, गामा इज नथिंग, इज द वॉल्यूमेट्रिक रेशियो. ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक रेशियो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ राइजर टू वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग. ठीक है, आप x दो तरीका हुआ आपको फ्रीजिंग रेशियो निकालने का. फ्रीजिंग रेशियो फर्स्ट वन आप निकाल सकते हो मॉडुलस मेथड मॉडुलस से, और दूसरा निकाल सकते हो आप बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी एज वेल एज वॉल्यूमेट्रिक रेशियो. ठीक है, नाउ मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ राइजर डिवाइडिंग बाय मॉडुलस ऑफ सी विल बी एल ए डिवाइडिंग बाय, आप यहां से ये करोगे रेशियो लोगे आप यहाँ पे ये क्या है आपका x है. ठीक है, या इसको फिर से रीअरेंज करोगे तो दैट विल इक्वल टू एम आर डिवाइडिंग बाय एम सी, दैट विल बी इक्वल टू ए हेयर. ठीक है, तो अब ये जो गामा है इसका वैल्यू पुट करोगे यहाँ तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी आवर इक्वेशन. ठीक है, एंड यू हैव टू सॉल्व फॉर द वैल्यू दैट इज अननोन. ठीक है, दैट इज यू कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ डी. ठीक है, यहाँ पे डी में किसी भी इक्वेशन आए रीअरेंज करके इसको वेरिएबल डी कर दो. ठीक है, यहाँ पे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी हियर.
Now you can establish the relation. Already you have established the relations, okay? And आप calculate कर सकते हो height, ठीक है? D as also you can calculate after calculating the value of D, you will get the value of height also, ठीक है? So that will be, that is the our first method, Ken's method. आपका ये कुछ safe है, ठीक है? There are some safes, कुछ modulus is given here. Modulus is what volume. Modulus is nothing, volume to the surface area, ठीक है? So ये safe का volume है and surface area है, that will be our here. मॉडुलस, ठीक है? तो शेप का मॉडुलस है. मैंने क्या कहा था कि आपका स्फीयर या आपका सिलिंड्रिकल का जो सरफेस एरिया आता था, डी आता था, क्या डिवाइस आता था यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे आपका डी यदि पुट कर दो टॉप टॉप राइजर साइड राइजर में, तो वैल्यू डी का पुट कर दोगे तो ऑल्सो गेट हियर द वैल्यू डी बाई सिक्स, ठीक है? दैट विल बी आवर मॉडुलस. ओके, सेकेंड वन इज हियर मॉडुलस मेथड, ठीक है? मॉडुलस मेथड तो मॉडुलस में थोड़ा देखते होता क्या है, ठीक है? तो बेसिकली टी आर इज, हमने क्या कैज्यूम किया था लास्ट एग्जांपल, क्या लिया था? टी आर जो है टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, टाइम ऑफ राइजर विल बी ग्रेटर एंड एट लीस्ट ग्रेटर और एट लीस्ट इक्वल टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्टिंग. ये डिस्कस किया था लास्ट में, यस और नॉट? हेलो हेलो, यस सर, ओके, ठीक है, ठीक है. तो ये टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, टाइम ऑफ राइजर विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द कास्ट, ठीक है? तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर, ठीक है? बी बाय दिस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू दैट इज सॉलिडिफिकेशन टाइम प्रोपोर्शनल टू बी बाय सरफेस एरिया, ठीक है? सॉलिडिफिकेशन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू बी बाय एरिया होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हियर आवर्स एम आर एम स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ राइजर इज ग्रेटर देन द मॉडुलस स्क्वायर ऑफ द कास्टिंग, ठीक है? मॉडुलस स्क्वायर ऑफ राइजर इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ द कास्टिंग, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ राइजर दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ द कास्टिंग, ठीक है? इस मेथड से वी आर अननोन थिंग्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? According to the standard conditions, the modulus of riser is taken as 20% higher than the modulus of the casting, ठीक है? तो ये आपका एक scientific method है, scientific calculated value है, ठीक है? तो आपका standard conditions के लिए क्या होता है, हमने क्या लिखा है, modulus of the riser will be 20% higher, ठीक है? It will be taken as 20% higher that of the modulus of the casting, ठीक है? And now putting the value here, MR is equal to what? MR is equal to 1.2 here. 20% ज़्यादा करोगे, 1.2 here हो जाएगा, ठीक है? That of the MC, ठीक है? MC for modulus of the casting, ठीक है? Now what is the value of MR? ठीक है? MR का value आप देखे थे, ठीक है? कि D by 6 आया था, D by 6 आया था. Putting the value of D by 6, that is equal to 1.4 into M to C. इसलिए तो यहाँ पे D का value आप put कर सकते हैं, D का value आप निकाल सकते हो. D का value कितना आ जाएगा? डेटा वैल्यू यहाँ पे 1.6, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1.2, दैट इज कितना हो गया, 72 7.2 टाइम्स ऑफ एमसी, ठीक है? दैट इज मॉडुलस ऑफ द कास्टिंग, ठीक है? तो मॉडुलस ऑफ कास्टिंग निकालोगे, उसको 7.2 टाइम्स कर दोगे, तो दैट विल गिव्स यू द डायमीटर, ठीक है? डायमीटर ऑफ द मॉडुलस, ठीक है? डायमीटर ऑफ द राइजर, ठीक है? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइट, तो हाइट आपके कौन सा केस है, आपके पास हो सकता है कि टॉप राइजर हो या टॉप राइजर हो या साइड राइजर हो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो आपने पढ़ा है, ठीक है? तो आप साइड राइजर को क्या पढ़ा, डी इज इक्वल टू 2h, सॉरी डी इज इक्वल टू h, ठीक है? और टॉप राइजर के लिए क्या पढ़ा है, डी इज इक्वल टू 2h, ठीक है? तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h आल्सो द राइजर, इन दैट वे यू कैन डिजाइन द राइजर. Is it clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, तो ये basically questions आएगा आपका gate में, तो या question examination में आएगा कि by using the modulus method या by using the आपका Ken's method या by using the क्या लिखे थे, Chavirnov's rules, ठीक है? आपको calculate करना है, ठीक है? यदि वहां पे रूल मेंशन कर दिया तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आपको ही कैलकुलेट करना है, ठीक है?
और नहीं तो अदरवाइज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो, टी इज इक्वल टू सी इंटू वी बाई ए टू दी पावर टू, ठीक है, उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पेसिफाई कर दिया कि मॉडुलस मेथड से फाइंड द वैल्यू ऑफ या डायमेंशन ऑफ द राइजर, देन यू हैव टू गो फॉर दैट प्रोसेस। ओके ओके, नाउ थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज नोवल रिसर्च लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। यहाँ पे नोवल रिसर्च लेबोरेटरी मेथड पे एक सेफ फैक्टर आता है, इससे क्वेश्चन आ चुका है गेट में, ठीक है। सेफ फैक्टर ऑफ कास्टिंग विल यू व्हाट, यहाँ पे सेफ फैक्टर ऑफ द कास्टिंग इज व्हाट, यहाँ पे आपका होता है इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कास्टिंग, सॉरी लेंथ ऑफ द कास्टिंग प्लस विड्थ ऑफ द कास्टिंग डिवाइडिंग बाय थिकनेस ऑफ द कास्टिंग, ठीक है। सेफ फैक्टर इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द कास्टिंग प्लस विड्थ ऑफ द कास्टिंग डिवाइडिंग बाय थिकनेस ऑफ द कास्टिंग, इज इट क्लियर, ठीक है। सो यूजिंग सेफ फैक्टर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ गामा, गामा ना कैन बी टेकन फ्रॉम द टेबल, ठीक है। ये टेबल आपका कास्टिंग का टेबल दिया रहा है, वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। या आपका वैल्यू दिया रहेगा वहां पर, एग्जाम में टेबल भी दे देगा, तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपका इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई एंड एच, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द राइजर, यू विल कैलकुलेट हियर, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, देयर इज द एग्जांपल, आई थिंक इट हैज बीन आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द सेफ फैक्टर फॉर ए कास्टिंग इन द फॉर्म ऑफ एन एनुलर सिलेंडर, ठीक है। एक एनुलर सिलेंडर है जिसका इनसाइड आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर एंड इनसाइड डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज व्हाट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सेफ फैक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, लेंथ विड्थ और चाहिए, ठीक है। तो आपका सिलेंडर है उसको काट दोगे क्या बन जाएगा, लेंथ हाइट और विड्थ बन जाएगा, ठीक है, थिकनेस बन जाएगा, ठीक है। तो नाउ आपको कैलकुलेट करना है लेंथ हाइट और थिकनेस, क्लियर। आपका हाइट दिया हुआ, सपोज कि आपने पोल दिया इसको एक सिलेंडर को, ठीक है, एनुलर सिलेंडर है, तो हाइट यहाँ पे दिया हुआ था कि ओके, ठीक है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द w, w विल बी व्हाट, w विल बी हियर व्हाट, पाई डी, ठीक है। पाई डी इज व्हाट, पाई डी आप किसका डायमीटर लोगे, ठीक है, तो एवरेज कर दो यहां पे पाई इनटू डी, मतलब इनसाइड प्लस आउटसाइड, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2, एवरेज डायमीटर मेरे पास मिल गया, ठीक है। सो दैट विल बी गिव्स यू द विड्थ, ठीक है, द विड्थ विल बी इक्वल टू आपका कितना आ गया 78.5 ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट थिकनेस, थिकनेस इज व्हाट, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो दो डायमीटर का डिस्टेंस इनसाइड डायमीटर एज वेल एज आउटसाइड डायमीटर दोनों का डिफरेंस करके दो से डिवाइड कर दो, दैट विल प्रोवाइड यू द थिकनेस, दैट विल थिकनेस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस एल डब्ल्यू एंड टी इन द फैक्टर इक्वेशंस, वी विल गेट हियर फैक्टर वैल्यू इज 21.7, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इज इट क्लियर, हेलो, यस सर, ओके। ये गेट का क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट करना, एग्जांपल्स वगैरह देखना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्लियर करना, ठीक है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट प्रोसेस, दैट इज आवर श्रिंकेज वॉल्यूम कंसिडरेशन मेथड, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लास्ट स्लाइड्स में मैंने कहा था, ठीक है, विक्रम और विक्रम और, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ राइजर इज योर व्हाट, वॉल्यूम ऑफ राइजर इज एटलीस्ट 3 टाइम्स द श्रिंकेज वॉल्यूम, मैंने कहा था, याद है ना, ठीक है। मैंने कहा था कि वॉल्यूम कंसिडरेशंस में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द राइजर शुड बी एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग, एम आई राइट, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर एज वेल एज the height of the riser using this formula, यदि question कुछ नहीं दिया भैया, अपने से assume कर लो 3 times, ठीक है, 3 times, ठीक है, volume of the riser will be 3 times at least trigger volume, ठीक है। Now we have to check, next step में क्या करोगे, you have to check whether the solidification time of the riser will be greater and at least equal to the casting, यदि ऐसा नहीं हुआ, ये condition satisfy नहीं किया, तो आपका जो है design fail कर जाएगा, मतलब design will be not perfect, ठीक है, हेलो,
या सर विक्रम कुमार दास वेटिंग रूम में वो लेट से आ रहा कि निकल गया था अच्छा उसको बोलो ओके हेलो विक्रम कुमार दास एडमिट करते तुम्हारे कहने चलो ओके तो राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट तो वेदर यू हैव टू चेक द वैल्यू देन यू हैव it is greater than that of casting ठीक है ये क्या होना चाहिए solidification time of the riser should be at least equal to and greater than that of casting ठीक है तो ये condition satisfy होना चाहिए नहीं satisfy होगा तो आप क्या करोगे आपका दोनों का time calculate करोगा दोनों का time को at least equal कर दोगे उसके बाद जो dimensions आएगा that will be our final dimensions of the riser is it clear If the conditions is not satisfied, then assume TS, that is the solidification time of the riser, equal to the solidification time of that of casting. And you have to determine the value of the D as well as H, that is diameter and height of the riser. ठीक है? In that way, you have to proceed. ठीक है? तो ये process हो गया आपका. ठीक है? We'll discuss a numerical on the E. On this basis, ठीक है? We check here. यहाँ तक क्लियर है सबको यस सर ओके लुक एट द क्वेश्चन हियर ठीक है ए कास्टिंग ऑफ साइज 100 mm इनटू 100 mm इनटू 15 mm किस टाइप का कास्टिंग है प्लेट टाइप का ठीक है ये फ्लैट प्लेट है ठीक है आपका इज रिक्वायर्ड ये आपका कास्टिंग इज रिक्वायर्ड हियर एंड गिवन डाइमेंशंस ऑफ देयर ओके एज्यूम वॉल्यूम श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग इज 2.6% ठीक है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आपका गिवन है 2.6% इफ हाइट ऑफ द राइजर इज 80 mm एंड राइजर वॉल्यूम इज डिजायर इज 4 times दैट ऑफ श्रिंकेज इन द कास्टिंग ठीक है तो व्हाट विल द एप्रोप्रिएट राइजर डायमीटर इन mm ठीक है तो यहाँ पे 4 times श्रिंकेज वॉल्यूम दे दिया यदि राइजर का वॉल्यूम यदि नहीं दिया हुआ रहता तो मेरे पास assumptions क्या था 3 times लेना था equal to 3 times ठीक है and also you can take the greater than ठीक है लेकिन limiting conditions में मेरा 3 times था ठीक है लेकिन यहाँ पे value दे दिया 4 times ठीक है you have to put the 4 times of the shrinkage volume ठीक है now you have to calculate the shrinkage volume what is shrinkage volume here given here 2.6% ठीक है आपका total volume of the casting कितना दिया हुआ आपका 100 into 50 ठीक है तो इसका 2.6% that is will be equal to 0.26 is it clear इसका 100% कितना हुआ 0.26 हुआ ना या 0.026 इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये परसेंटेज हुआ एग्जैक्ट ठीक है तो 0.026 ठीक है तो आप चेक खुद से करना ठीक है चेक कर लो ठीक है तो 0.26 यहाँ पे सपोज कि मेरा वैल्यू भी है 0.026 आएगा ना ठीक है 2.6% आपका श्रिंकेज वॉल्यूम है ठीक है चेक कीजिए Am I right or wrong? Yes, sir. ठीक है सर ठीक है 0.02 Okay, very good. ठीक है तो आपको क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ राइजर विल बी इक्वल टू 4 times दैट ऑफ द श्रिंकेज वॉल्यूम ठीक है तो श्रिंकेज वॉल्यूम मेरे पास निकल गया यू हैव टू पुट द वैल्यू 4 times इसका कर दो तो 13 चौका 52 ठीक है 52000 दैट विल बी आवर वॉल्यूम ऑफ द राइजर ठीक है नाउ राइजर का वॉल्यूम आपका क्या होगा 5/4 × d² × h ठीक है ठीक है आपका कास्टिंग है रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द डाइमेंशंस द राइजर का डिजायर्ड आपका उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरे पास h है एंड d है ठीक है तो आप टॉप गेट के लिए डिजाइन कर रहे हो कि आप टॉप गेट के लिए डिजाइन कर रहे हो या आप साइड गेट के लिए सॉरी टॉप राइजर के लिए डिजाइन कर रहे हो साइड राइजर के लिए ठीक है तो दोनों कंडीशंस में आपको निकालना है ठीक है तो वहां पे पुट कर दोगे यदि आपको टॉप टॉप राइजर के लिए क्या कंडीशंस था मेरे पास d =
टॉप राइजर के लिए क्या था, डी इज इक्वल टू 2h, ठीक है, एंड साइड ओके साइड राइजर के लिए क्या था, साइड राइजर के लिए मेरे पास d इज इक्वल टू h था, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो सपोज कि ये किसी भी राइजर के लिए मेरे पास आया, ठीक है, ये मेरा अधूरा है सॉल्व, पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है, सपोज कि मेरे पास d आया, ठीक है, आपका मान लो कि आपका साइड राइजर के लिए आपने डिजाइन किया d इज इक्वल टू 2h के लिए, आप कैलकुलेट करोगे इसको, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग बनाओगे खुद से, ट्राई करोगे, मेरे को बताओगे क्या आंसर आया, क्या मतलब कि कंडीशंस होना चाहिए था, ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ पे d इज इक्वल टू इतना है, सपोज कि इतना है, ठीक है, नाउ यू हैव टू गो फॉर, यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आपका चेक वेदर टाइम सॉलिडिफिकेशन टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कास्टिंग, ठीक है, हैज बीन अचीव्ड और नॉट, ठीक है, तो आपका जो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर विल शुड बी greater than and at least equal to that of the casting, ठीक है, तो अब दोनों कंडीशन में आपका यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हो एज वेल एज सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द राइजर, यदि डायमेंशन निकल गया है तो राइजर का भी कैलकुलेट कर लो, तो ये कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करेगा तो योर डिजाइन विल बी ओके, इट्स क्लियर, अदरवाइज यू हैव टू टेक द यू हैव टू इक्वल द बोथ टाइम, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको दोनों टाइम को इक्वेट कर देना है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डाइमेंशंस ऑफ द राइजर, ठीक है, तो डाइमेंशंस यदि नहीं आया इस कंडीशन में, मेरा यदि नहीं आया था तो मैंने डाइमेंशंस इक्वेट करके टाइम को इक्वेट करके हमको डाइमेंशंस निकाला था d इक्वल टू 160 mm, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लो, आप खुद से चेक कर दा वेदर आई हैव कैलकुलेटेड दैट इज राइट और नॉट, ठीक है, तो ये मेरा अधूरा सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है, आप खुद से प्रॉब्लम उसको सॉल्व करके मेरे को गूगल क्लासरूम में अपलोड करो भैया, ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन पढ़ता है घर में कि नहीं पढ़ता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी आई विल प्रोवाइड यू द इंटरनल मार्क्स, एम आई राइट, हेलो, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट, व्हाट क्वेश्चंस आई विल आल्सो शेयर इन द गूगल क्लासरूम, एंड ये दो क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, दो क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करके आप गूगल क्लासरूम में डाल देना, ठीक है, ओके, थैंक यू, सर, नोट्स भी अपलोड कर दीजिएगा।